बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध, सिवान में सड़क जाम कर जमकर बवाल। NH 331 को जाम कर सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कल सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ की शुरुआत की थी, अब इसको लेकर हर जगह बवाल होने लगा है। आज सिवान के मलमलिया में भी सेना भर्ती के युवाओं का प्रदर्शन 6 बजे सुबह से ही शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने मलमलिया बाजार के पास रेलवे लाइन को भी जाम कर हंगामा शुरू कर दिया है। युवाओं ने सड़क पर टायर में आग लगाकर रोड जाम कर दिया। यहां से करीब 1 किलोमीटर की दूर तक जाम लगा रहा। भगवानपुर थाना पुलिस पहुंची और जाम हटाने को लेकर प्रदर्शनकारियों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, मगर प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। छात्र मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए दिखे। वहीं NH 331 स्थित मलमलिया बाजार पर आवश्यक सेवाओं के कई वाहन जाम में फंसे दिखे। कई यात्री बस से उतरकर पैदल जाने को मजबूर हुए। समाचार प्रेषक तक यह जाम लगी रही। क्यों सड़क जाम किए हैं जी? जैसे मैं 2019 में कोरोना आया नवंबर में जी, तो उस टाइम तो कोरोना था, बहाली नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कोरोना नहीं, कोरोना है, बहाली नहीं हुआ, सब मतलब सब लड़का ठीक था। फिर 20 तक नहीं आया, 20 में बहाली नहीं आया, 21 में बहाली हुआ, हम लोग बहाली भी मारे जैसे तैसे करके। फिर 21 के बाद इस मतलब मेडिकल और फिजिकल होने के बाद हम लोग का रिटर्न रुका हुआ था, 1.5 साल हो गया रिटर्न का। उसके बाद हम लोग का रिटर्न कैंसिल, फिर उसके बाद चलो कैंसिल तो ठीक, कैंसिल हम लोग का। फिर उसके बाद TOD, मतलब क्या है, क्या चल रहा है देश में? आप इंटरनेशनल छवि बना रहे हैं सिर्फ, बस देश के अंदर क्या चल रहा है? युवा बेरोजगार हो रहे हैं, किसान मर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप देश के साथ? सोचना चाहिए। कितना लड़का मर गया, कितना लड़का सुसाइड कर रहा है, इस सब का कोई लिखा, कोई लिखा जोखी नहीं है इन लोगों का। कुछ नहीं चाहिए, हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का पुरानी भर्ती वापस TOD वापस चाहिए। आप बताइए, जो बंदा आर्मी से आएगा कौन कंस्ट्रक्शन वाला उसको जॉब देगा? आप बोल रहे 75% बंदा रिटर्न जाएगा, 25% को रखेंगे हम लोग, कौन कौन रखेगा उनको? कंस्ट्रक्शन वाला कौन रखेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? बिहार सरकार लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा उन बंदों का? क्या करेगा 4 साल बाद आके? क्या करेगा वो घर पे बैठ के? ना पेंशन है, ना मेडिकल सुविधा है, क्या है उन लोगों को, क्या मिलेगा, कैसे जिएंगे वो लोग? ना ना, जिस तरह से हम लोग का पेंशन काट रहा है उसी तरह से नेताओं का भी पेंशन काटे, और वो एक बार 5 साल में एक बार ही वो ठहरा होके उसके बाद उसको भी खत्म करे। 2 साल का होना चाहिए बस। भारत डेमोक्रेसी देश है, होना चाहिए, भारत डेमोक्रेसी देश है, ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है नेता सब चला रहे हैं, जो मर्जी वो कर रहे हैं, TOD लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, जो मर्जी वो, मतलब सब ऐसे ही चलेगा? हम लोग का कुछ नहीं है यहाँ पे, हम लोग कोई हक नहीं है। सब युवा बेरोजगार हो रहे हैं, देखिए सड़क पे कितना युवा उतरे हुए हैं। 40,000 Thank you.
बाबू यार।